अरे दोस्तों, गौरव सुमन चैनल और एक आज के लिए लर्निंग सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं कुछ दिन पहले एक्चुअली आप लोगों को बोला था कि एक फार्मा निकी फार्मा है वो शायद क्या बहुत ज़्यादा बहुत मज़ा आएगा। तो कौन कौन है एक्चुअली वीडियो देखा है ये मुझे तो पता नहीं, पर जो निकी फार्मा है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर का भी है मेरे लेवल से। तो देखिए इसका जो रैली है वो तो स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। तो ओखर फार्मा में ओखर फार्मा में भी थोड़ा बहुत रिकमेंड किया था। उसके बाद शिपला में भी थोड़ा बहुत मैंने रिकमेंड कर दिया था। तो जिस लेवल पे मैंने बोला था उस लेवल पर अगर पास करते हैं तो अभी प्रॉफिट काफ़ी सारे हैं। तो इंडेक्स में जो एक्चुअली चल रहा था वो आज पॉजिटिव पे है। मेरा जो ट्रेड है वो ट्रेड बोलने के लिए एक्चुअली ये जो डिसीजन है ये एक्चुअली मैंने कर रहा हूँ। तो पहले वाला जो पहले पोजीशन दिखा देता हूँ, तो टोटल कुल मिला के 2,800 का बेनिफिट मिला है। काफ़ी सारे गलती हुआ है एक्चुअली, तो काफ़ी जल्दी मैंने स्ट्रेट किया है। तो सुबह 10:35 पे मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया हूँ जिसमें जो लीड था 140 रुपये 20 पैसे में वो लीड लिया था। एंड जो सेल दिया है वो 40 रुपये 40 पैसे में मैंने वो सेल कर दिया। ये शायद हो सकता है आप लोग बोल सकते हैं बहुत छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, मगर एक्चुअली हुआ क्या है कि मैं जब आज सुबह ट्रेड मारा था, ट्रेड मारने का एक जो रीजन था वो मैं बोल देता हूँ। 10:35 इस लेवल पे मैंने एक बार परचेस किया था, क्योंकि मैं काफ़ी सुबह से एक्चुअली इसको थोड़ा क्रॉस चेकिंग कर रहा था कि नीचे वाला जो लेवल है वो लेवल कल से एक्चुअली देखा वो आ गया है। एंड मे बी 15 मिनट में जो लेवल है उसको शायद एक बार पॉजिटिव में पॉजिटिव ट्रेंड में लगा सकता है इस लेवल से। एक्चुअली ये जो लेवल था इस लेवल से मैं फंडामेंटल को थोड़ा बहुत चेक कर रहा था, उसके बाद मैंने 3 मिनट में एक ट्रेड डाल दिया। तो हुआ क्या, तो एक्चुअली हुआ क्या है कि मैं जब सुबह ट्रेड मारा, एक्चुअली उस ट्रेडिंग लेवल जो होता है उस लेवल से एक्चुअली 10:35 में यहाँ से परचेज किया। एंड उसके बाद ये एक्चुअली गया था 140 रुपये 75 पैसे। मैंने एक्चुअली स्टॉप लॉस जो रिवाइज किया है वो रिवाइज में एक छोटा रिवाइज किया था, उस छोटा रिवाइज में एक्चुअली चला गया है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मेरा जो ट्रेड डिटेल्स है उसमें अपडेट हुआ कि 20 पैसे में प्रॉफिट दिया था। एक्चुअली तब चल रहा है 70 पैसा था और मैंने गलती से वो 70 पैसे से वो 40 पैसा कर दिया। एंड स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 40 पैसे ही चल रहा था और सब को दिमाग में आ गया। तो ये मुझे थोड़ा बहुत 20 पैसे में मैंने प्रॉफिट किया था सुबह लीड पर, जो 4,18,000 का प्रॉफिट में गया था। एक्चुअली जो एक्चुअली था वो था जिंक में, मैंने सेकंड ट्रेड में हमारा, क्योंकि मेरे जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो जो प्रॉफिट था फर्स्ट ट्रेड में 20 पैसे का प्रॉफिट था। तो सेकंड ट्रेड हमारा वो जिंक मिनी पे मारा था, वो एक्चुअली 167 में मैंने पहले सेल किया।
उसके बाद मैंने कॉलर मारा, तो सेल करने को टाइम भी, ये भी थोड़ा एक्चुअली मुझे गलती हुआ है एक्चुअली। उतना टाइम भी नहीं था, पेशेंस भी नहीं था एक्चुअली। मैं जो ट्रेड किया था, अब देखिए तो ये तो मैं, अगर मैं देखूँ तो 67 में ट्रेड हुआ था 11:26 पर, एंड मैंने बुक किया था 11:33 पर। तो ये जो ट्रेड हुआ है, ये एक्चुअली जो ट्रेड है, ये 97 में मैं दिखा रहा था, जस्ट हियर एक्चुअली मैंने वो ट्रेड किया था जो शॉर्ट सेल का ट्रेड हुआ था। ये अगर मैंने ट्रेड किया था एक्चुअली, ये जो ऊपर 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 वाला जो लेवल था, उस लेवल को टेकआउट नहीं दिया था, उसके टाइम में थोड़ा पेशेंस रखा था कि कब एक्चुअली, अगर ये ब्रेकआउट देता तब मैं एक्चुअली बाई करता, अगर ये ब्रेकआउट नहीं दिया इसलिए मैं 167 पे इसको सेल डाला हूँ। एंड थोड़ा बहुत ऊपर मैंने 30-40 पे ऊपर मैंने एक प्रॉब्लम से सेल कर दिया, मगर वो बुक मैं काफ़ी जल्दी कर लिया, क्योंकि 67 एंड 67, 65 इस लेवल पे नियर वो 5 to 7 मिनट्स में ही वो मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। क्योंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा था कि ऑलरेडी ऑलरेडी जिम काफ़ी ऊपर से गिर रहा था कुछ दिनों से। तो मुझे जो एक्चुअली लगा कि मैं एक्चुअली चार लॉट लिया था, वॉल्यूम भी लिया था, तो मुझे इस लेवल पे जो मिला था, ये एक्चुअली 60 पैसा का लेवल है, तो मुझे 60 पैसा लेवल पे बुक कर लिया एक्चुअली। अगर मैं कोहरा नहीं मारता और एमआईस मारता तो मैं पार्शियली शायद ये बुकिंग करता, मगर कोहरा से मुझे फुल प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ा। अगर मैं कुछ टाइम लेता तो शायद ये और भी नीचे मुझे प्रॉफिट मिल जाता, मगर ये कोई इशू नहीं है, मैं एक एब्सोल्यूट हैंडसम प्रॉफिट बुक कर लेता। एंड कुछ टाइम बाद 12 साल के जब काफ़ी नीचे गिर गया था एक्चुअली, आप देख सकते हो कि 164 रुपये 30 पैसे चल रहा था, इसमें सर मैं 3 लॉट का 1:20 पैसा लिया था। ये ऐसे कुछ नहीं है, आप देख सकते हो, तो ये ट्रेड मैंने एक्चुअली 12:07 में लिया, 12:02 में वो एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग कर दिया था। तो थोड़ा बहुत दिखा था, तो 12:02 में 12:07 कर गया एक्चुअली। एक्चुअली नीचे बहुत नीचे गिर गया था, तो इस टाइम एक्चुअली ये बिलो 20 RSI में चला गया था। तो मेरे जो एक्चुअली कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से, सॉरी ये तो झूम कर, एक कैलकुलेशन के हिसाब से एक थोड़ा नीचे पैनिक आ गया था, जिसमें मैंने सोचा एक परचेज कर लूँ, उसको थोड़ा होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, करीबन 4% नेगेटिव हो गया था। तो उसमें मैंने एक वीक लिया छोटा, एंड 20 पैसे का प्रॉफिट, ये कुछ टेक्निकली नहीं था, एक ऐसे ही मुझे एक छोटा ट्रेड कर दिया था, एंड स्टॉप लॉस भी बहुत क्लोज रखा था। उसके बाद मैंने और कोई ट्रेड नहीं किया, 10:30 से 12:30 तक मेरा 2,800 का एक प्रॉफिट नहीं देने को मिला था। तो उसके बाद काफ़ी सारे ट्रेड लेवल आया था, मगर मुझे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ा, क्योंकि मैं और ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो आज का जो ट्रेड का टारगेट था एंड जो लेवल था वो ठीक ठाक ही लगा। तो इसमें से अब देख पा रहा हूँ कि कल का जो अमाउंट था 11:80 के आसपास मेरा एक्चुअली वैल्यू का अकाउंट टोटल अमाउंट था, उसके हिसाब से आज 2,800 का टोटल प्रॉफिट हुआ है। एंड एवर अप्रोक्सीमेट जो एक्चुअली अमाउंट है वो 4 रुपये के आसपास मेरा आज बैलेंस हो गया। तो ऐसे में मुझे ट्रेड हर दिन करना है, अगर मेरा दिमाग ठीक है। तो इस वीक में
काफी सारे पैसा आ गया। देखते हो कि इसको विड्रॉ मारे की और नेक्स्ट डे में कुछ पे होगा, देखते ये तो इस वीक में पता चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबा दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल मास्क सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं रोजाना ट्राई करूँगा ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।